पहले दिन से याद रखो कि उन्हें मुक्त रखना है, पहले दिन से ही ऐसा लालन पालन, पहले दिन से ही। और राग में रहोगे तो बड़ा कष्ट होगा, संभाल नहीं पाओगे, फिर नहीं संभाल पाओगे। अपना सब कुछ मान लिया महात्मा भरत ने, उस मृग को अपना सब कुछ माने बैठे हैं कि ये सब कुछ मेरा यही है। कई लोगों के जान प्राण जानवरों में रहते हैं, किसी का तोते में रहता है, किसी का बंदर में, कोई कुत्ता पाले बैठा है, सारा कुछ उसमें है, पूरे प्राण जीवन चेतना मन बुद्धि सब कुछ उनका कुत्ता है। क्षमा कर दीजिए, मुझे डॉग कहना चाहिए था, ना 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 पेट कहना चाहिए था। इस पे भी नाराज हैं कई लोग, तो मेरा पेट नहीं है, ही और शी बोलिए। अरे नाम बता दो इनका क्या है। ये गए हमारे साथ थाईलैंड में, इन्होंने इतना ही पूछ लिया कुत्ता बड़ा अच्छा है, वो नाराज हो गए, ये कुत्ता है। हमने इनसे कहा भैया क्या कह रहा है, ये कुत्ता नहीं है। बोले मेरा कुत्ता नहीं है, मैं भैया डॉग है। तो ये कहते अच्छा डी ओ जी डॉग, डॉग माने कुत्ता। ये सामने मैं डॉग नहीं पेट है। ये बड़े परेशान, ये कैमरा लगता तो कुत्ता सा, पेट क्या होता है। आप हमें क्षमा कर देना, हम तो हमारे तो भगवान के पास चार हैं, एक थोड़ी है। भगवान भैरव, ये जो हमारे भगवान दत्तात्रेय के पास चार हैं, चार रखे हुए उन्होंने, दो गौ माता रखी है, स्वान उनके साथ हैं, भैरव हैं। भाई हम तो कुत्ते कुत्ता नहीं समझते, भैरव और भैर भी समझते हैं। कावड़ खंडित हो जाती है, कावड़ लेकर कोई व्यक्ति जा रहा है और वो कुत्ता कह दे तो वापस लौटते थे कई लोग कि मैं फिर से स्नान करूंगा और कावड़ उठा के फिर निकलूंगा, मैंने कुत्ते कुत्ता कह दिया। इतना आदर है कुत्ते का, कुत्ते के बिना तो धर्मराज ऊपर नहीं गए। ऐसा भी नहीं है मैं कुत्ते की महिमा पर उतर के आया तो मैं कहां पहुंचाऊंगा फिर कुत्ते को, उसके बिना तो पहुंचे नहीं। कि भैया पहले कुत्ता जाएगा, मैं बैठूंगा बाद में। धर्मराज ने कहा कि अरे ये तो मैं स्वयं ही था, आपकी परीक्षा ले रहा था, ये तो मैं स्वयं था, पर मैं कुछ और कह रहा हूं। भैया टक गए, रोने लगे, बिलखने लगे, यार हमारा कहां गया नारायण नारायण नारायण। साधु महात्मा हंस रहे हैं, उनकी दुर्गति ऐसी हुई। ऋषभ का बड़ा पुत्र भरत, जिसके नाम से पूरा देश भारत देश, इस पूरी धरती का नाम बदल दिया, और इसका नाम भारत है जिस भरत से, वो बिलख रहे हैं कि हमारा मृग कहां चला गया, हमारा मृग कहां गया, हमारा बेटा कहां चला गया, हमारा नारायण कहां चला गया, मेरे प्राण कहां चले गए। रो रहे हैं बिलख रहे हैं, चारों ओर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और साधु महात्माओं ने पूछा हुआ क्या है, बोले महाराज हमारे नारायण खो गए। नारायण कहीं देखे आपने, सब समझ गए अपने हिरण को ढूंढ रहे हैं, प्राण चले गए। अब कल्पना कर सकते हैं कि हिरण के मोह में प्राण चले गए। कईयों के तो प्राण नहीं जाते तो नींद चली जाती है, सुख चला जाता है, आनंद चला जाता है, इतनी आसक्ति हो तो। और फिर वही अंते मां मति सा गति, अंते मां मति सा गति। हमारे यहां भारत के एक बहुत बड़े विद्वान आज कथा सुनने आए, काशी से विशेष कर चल कर आए। हमने बड़ी प्रार्थना की थी कि महाराज आएंगे तो हमारी हिम्मत बंधी रहेगी। इस समय भारत के अद्भुत विद्वानों में से एक स्वामी जी काशी में रहते हैं, वहां पढ़ाते हैं वेदांत। स्वामी जी आए हुए हैं हमारे काशी से। हमने प्रार्थना की थी कि कोई काशी से आ जाए भगवान विश्वनाथ से, तो आप आ गए कथा सुनने आ गए। अंते मा मति, अंते मा मति सा गति, जो अंत में आपकी मति होगी वही आपकी गति होगी।
आपकी मति कहाँ है, वैसी गति होने वाली है आपकी।